भाई लोग ये देख लीजिए, स्टैंड मार के पूरा राउंड बना दिया है। ठीक है, आज का तीसरा रिव्यू बनाने वाला है। पहले KTM का बना चुके हैं, उसके लिंक मेंशन किया हूं नीचे। और जैसे जैसे अपना रिबॉन क्लासिक का भी अपना रिव्यू अपना चैनल में पड़ा है, उसका भी लिंक अपना चैनल का इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। अभी ये देख लीजिए, जावा 42 गाड़ी का अपन रिव्यू बनाने वाला है इसका। ये तो मेरा एक दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड मैडर अक्षय का गाड़ी है ये। ओके, अभी गाड़ी ओवरऑल एक बार देख लीजिए, गाड़ी का डिजाइन, गाड़ी का टोटल अराउंड पिक्चर कैसे आया है एक बार आपको दिखाता हूँ मैं। जावा का मॉडल का डिजाइन के बारे में बताएगा तो जावा ये टाइप में फर्स्ट गाड़ी बनाने का टाइम बहुत कोशिश किया है। वो पहले का वो अपना विंटेज टाइप का लुक लेके आने के लिए बहुत कोशिश किया है, और टाइप में बहुत सारा चेंजेस करके उन लोग ऐसा बना के लेके आया भी है। देख लीजिए, मेन जो ये पार्ट तो देखेगा तो ऐसा पहले वाला जावा का ऐसा लगेगा, और अपना इंजन के ऊपर भी। ओके, अभी अपने को रिव्यू के बारे में पहले रिव्यू चालू करते हैं। आ जाइए आगे साइड में, हेडलाइट देखो, ओल्ड मॉडल अपना जावा का ऐसा लुक में लेके आया है, शेप में लेके आया है जावा का ये गाड़ी 42 का भी हेडलाइट। और इसका क्लस्टर देख लीजिए, क्लस्टर को एक साइड में कर दिया, एक सब गाड़ी से थोड़ा डिफरेंट टाइप का डिफरेंट मॉडल का क्लस्टर बना दिया है गाड़ी में। और हेडलाइट भी हैलोजन बल्ब है, दो इंडिकेटर खूबसूरत वाला दो इंडिकेटर भी दे दिया है। इसके पीछे क्रोम टाइप का और ग्लास दिया है ऑरेंज का, और बल्ब इसका LED नहीं है, हैलोजन बल्ब का इंडिकेटर है। और इधर एक जावा का सिंबल भी दे दिया है, और नंबर प्लेट इस जगह पे आ जाएगा। टेलीस्कोपिक शॉकअप से आगे का सस्पेंशन बोलो तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, और मडगार्ड नॉर्मल टाइप का मडगार्ड, उसका ब्रैकेट भी अलग एक अच्छा वाला डिजाइन में दे दिया है। इसके आगे का देखो, डिस्क ब्रेक दे दिया है, डिस्क ब्रेक और ABS का साथ में आएगा, ड्यूअल पिस्टन कालीपर आ जाते हैं इसको डिस्क ब्रेक के लिए। और इसका रिम साइज भी इसका 18 इंच का रिम साइज है, इसका कंपनी का टायर MRF का टायर दे दिया था, ये सब कॉमन है। और इसका अभी आगे में इतना ही बताने के लिए, और स्पोक व्हील है गाड़ी में, ये मॉडल में स्पोक व्हील देते हैं। और आ जाइए अपने क्लस्टर के बारे में अभी बता देता हूँ। इसका चाबी देख लीजिए, इधर दे दिया है बाकी सब गाड़ी से, थोड़ा जावा का ओल्ड टाइप का विंटेज टाइप के फील मिलने के लिए। इधर से चाबी चालू किया, देख लिया क्लस्टर चालू हो गया। क्लस्टर में आ जाते हैं टेम्परेचर का वार्निंग लाइट, ABS न्यूट्रल लाइट और इंजन चेक लाइट, प्लस अपना फ्यूल का इंडिकेटर, रिजर्व इंडिकेटर, हाई बीम का सिग्नल और बैटरी का चार्जिंग, इतना सिग्नल इसके अंदर आ जाते हैं एक छोटा वाला क्लस्टर में। इधर एक ऑडोमीटर आ जाते हैं, इधर एक स्पीडोमीटर और फ्यूल का मीटर भी इधर आए क्लस्टर के अंदर आ जाते हैं। और हैंडल बार और हैंडल बार का कंट्रोल्स के बारे में सब बताया तो नॉर्मल गाड़ी का ऐसे ही है। इधर पूरा ऐसे ज्यादा कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं है, आप देख के तो आपको समझ में आ जाएगा। और राइट साइड का भी यूनिट पूरा सेम, कुछ बोलने के लिए कुछ सेपरेट कुछ नहीं है। और आगे हैंडल बार का इधर एक जावा का अपना लोगो दे दिया है, टैंक भी ओल्ड मॉडल का टाइप का टैंक है। ओके, और इसके चाबी भी एक बार दिखाता हूँ तुम लोगों को, देखो चाबी एकदम छोटा टैंक चाबी कर दिया, ये भी एक्चुअली कंपनी शायद इसके लिए दिया है, ओल्ड अपना जूना विंटेज टाइप का एक फील लेके आने के लिए इसका चाबी भी ऐसा लिया है। अभी आ जाइए इंजन के साइड में, देख लीजिए ये इंजन फोर सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड इंजन आ जाता है, और इसके लिए भी एयर का फिंस दे दिया है, मतलब इससे दोनों में भी इसका कूलिंग चालू हो जाता है। इसका पावर बोले तो 27.32 PS का पावर है, मैक्सिमम
टॉर्क बोलो तो 26.84 का NM टॉर्क भी दे दिया है गाड़ी में, और सिंगल सिलेंडर है, बाकी इसको अंदर चार वाल्व है, चार वाल्व, और बाकी फाइव स्पीड का गियर बॉक्स है, और आगे फर्स्ट गियर, बाकी सब पीछे, और गाड़ी के डुअल साइड में दो साइलेंसर आ जाते हैं, इतना ही है। इसका इंजन के साइड में बताएगा तो देख लीजिए, ये साइड में दोनों साइलेंसर रहते हैं, मतलब जितना जल्दी हो सकते है इंजन के अंदर से अपना डस्ट निकालने के लिए देते हैं, स्मोक दिखाने के लिए, कार्बन निकालने के लिए देते हैं। अब इधर से अपना FI का सिस्टम इधर बैठ जाते हैं, फ्यूल इंजेक्टर, मैनिफोल्ड सब इधर आ जाते हैं। इसके अंदर एक टूल बॉक्स रहता है, और सीट निकालने के लिए अपने को टूल का ही ज़रूरत रहता है, इसको लॉक में सीट निकाल नहीं सकते। और ये पीछे का शॉक अब्जर है, जिस पीछे के दोनों सस्पेंशन शॉक अब्जर दिया है, एडजस्टेबल शॉक अब्जर दे दिया है, और चेन स्पॉकेट है, ड्राइव में चेन स्पॉकेट आ जाता है, और सब गाड़ी का ऐसे ही आगे का फोल्डेबल विथ स्प्रिंग का साथ में फुटरेस्ट, रियर का ऐसा फोल्डेबल वाला विदाउट स्प्रिंग का, ओके। और इधर एक छोटा सेफ्टी गार्ड भी दे दिया, ताकि पीछे कोई बैठेगा तो उसका ड्रेस वेस कुछ चेन में फंसना नहीं चाहिए, इसका वजह से वो भी दे दिया है। और पीछे का टेलेट, एक छोटा सा टेलेट देख के अलग ही विंटेज लुक लेके आने के लिए जावा बहुत ये देखा हो, कोशिश बहुत किया है, और इसके लिए नंबर प्लेट का ब्रैकेट इधर, इसका नंबर प्लेट का लाइट प्लस रिफ्लेक्टर दे दिया है, इंडिकेटर आगे कैसे ही है, छोटा इंडिकेटर दे दिया है, हैलोजन बल्ब का इंडिकेटर दे दिया है। और आ जाइए ये साइड में भी देखते हैं, ये साइड में सिंगल पिस्टन का डिस्क ब्रेक मिल जाता है, गाड़ी आगे पीछे दोनों सिंगल पिस्टन है, और 17 इंच का अपना आगे का टायर भी है, पीछे का टायर भी आ जाता है। ये साइड का ये पार्ट बहुत विंटेज का फील देते है, और इसका अपना ब्रेक फ्लूइड का टैंक भी इधर दे दिया है, और गाड़ी बहुत अच्छा दिखती है गाड़ी में। अभी देख लीजिए, ये गाड़ी अभी मार्केट में पब्लिक के बीच में आने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो, एक्चुअली रॉयल एनफील्ड टक्कर देने के लिए बहुत सारे मॉडल निकल रहे हैं जावा और प्लस SD मिला के। और ये गाड़ी में बहुत सारे नेगेटिव क्या क्या बोलो तो, एक तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, इसका वजह से इसका मेन स्टैंड हर स्पीड ब्रेकर में लगते रहते हैं, छोटा वो बड़ा कुछ नहीं है, छोटा भी आएगा तो भी लग जाता है, और डबल सीट में रहेगा तो बोलो ही मत सब जगह में लग जाता है। और दूसरा कस्टमर रिव्यू में एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट जावा के ये है, ये गाड़ी लिक्विड कूल इंजन है, लिक्विड प्लस एयर कूलर भी है, इसके साथ में इसका अपना कूलिंग इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, गाड़ी बहुत ज़्यादा हीटिंग मारते हैं, इसके वजह से गाड़ी में बहुत कस्टमर इतना पसंद नहीं करते गाड़ी में। और इसका साइलेंसर हो गया ऐसा क्रोम वाला मटेरियल होने दो, हैंडल बार होने दो, इसे जंग पकड़ते बहुत जल्दी, ये भी मटेरियल क्वालिटी बहुत लो है लग रहे मुझे, इसका वजह से इसका जंग पकड़ने के लिए चांस भी बहुत ज़्यादा है। और गाड़ी बाकी क्रूज करने में बहुत मज़ा आ जाता है गाड़ी में, भगाने स्पोर्ट्स करने के लिए अच्छा नहीं है, रेस करने के लिए अच्छा नहीं है, क्रूज करके जाओ मजा ले लो, यही शायद जावा आगे लग रहे। अभी इसके सीट के बारे में बताए तो सीट बहुत 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 बैड सीट दे दिया है कंपनी ने, क्योंकि बहुत बेकार सीट दे दिया है कंपनी ने, क्योंकि इसमें बैठेगा मुश्किल से 10 किलोमीटर जाने के बाद में अपना पूरा हालत डाउन कर देता है, क्योंकि और बहुत कुशन हार्ड भी है, एकदम ठीक कुशन दे दिया कंपनी ने, इसका वजह से बहुत हालत डाउन हो जाते हैं पब्लिक, और पीछे बैठने वाला को भी सेम वही इश्यू हो जाता है, और पीछे का सीट रेस्ट तो ठीक है और चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और गाड़ी ओवरऑल नेगेटिव मेरे को इतना ही लगा गाड़ी के बारे में, और बाकी कुछ तुम लोग को अगर मालूम पड़ेगा तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, अपने को भी मालूम पड़ेगा क्या कंप्लेंट आ जाता है जावा SD में, और यूज़र को क्या क्या आता है सब मालूम पड़ेगा। और सर्विस कॉस्ट के बारे में बताएगा तो सर्विस कॉस्ट देखो लगभग अपना रॉयल एनफील्ड का कंपैरिजन में आ जाता है, 1500 से 2000 का बीच में आ जाएगा, और फुल सर्विसिंग कर रहे थे तो अगर किसी का अगर फुल सर्विसिंग जावा होने दो, अपना रॉयल एनफील्ड होने दो, KTM होने दो, हीरो, होंडा,
किसी का अगर करना रहेगा तो प्लीज़ अपने हैशिमोटोज़ में आ जाइए, उसका भी पूरा गूगल का लोकेशन तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। आ जाइए, रॉयल एनफील्ड का सब जेन्युइन पार्ट्स भी, सब गाड़ी का जेन्युइन पार्ट्स भी मिल जाएगा अपने साइड में। अगर किसी को अगर चाहिए एक्सॉस्ट कुछ भी एक्सरीज कुछ भी चाहिए तो अपने पास आ जाइए। और ये गाड़ी चलाने के लिए कोई यंग एज का काली नहीं है, सबको चला सकते हैं, ये भी बोल रहा हूँ तुम लोग के लिए। ठीक है, चलो बाय।